अक्सर आपने अपने रियल लाइफ और फिल्मों में बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में जरूर सुना होगा। ये जैकेट ज़्यादातर सैनिकों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसे में क्यों ना इससे जुड़ी खास बातें आपको भी बताई जाएं। तो चलिए मैं आपको आज बताता हूँ। बुलेट प्रूफ जैकेट को इस तरह से बनाया जाता है कि लड़ाई के दौरान गोली लगने की स्थिति में भी सैनिक की जान को खतरा ना हो। ऐसी जैकेट को तैयार करने के लिए फाइबर या फिलामेंट का निर्माण किया जाता है जो वजन में हल्के तथा मजबूत होते हैं। केवलर एक ऐसा पैरामिड सिंथेटिक फाइबर है जो जैकेट के निर्माण में बहुत जरूरी है। इसके अलावा डायनामी फाइबर भी इस्तेमाल किया जाता है। केवलर मटेरियल के अलावा वेक्टरन मटेरियल से भी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनाए जाते हैं जो बेहद मजबूत होते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत उसके मटेरियल पर निर्भर करती है। वेक्टरन मटेरियल से बनी जैकेट ज़्यादा महंगी होती है। इस जैकेट की कीमत लगभग 40,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक हो सकती है। जी हाँ, इसकी कीमत लगभग 40,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक हो सकती है। इसका वजन लगभग 8 किलो तक होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट में दो परतें होती हैं, ऊपर सेरेमिक परत और उसमें बाद में ब्लास्टिक परत। जब कोई गोली इस जैकेट से टकराती है तो सबसे पहले वे सेरेमिक परत से जाकर टकराती है। सेरेमिक परत बहुत मजबूत होती है, इसलिए इससे टकराते ही गोली का आगे का नुकीला सिरा टुकड़ों में टूट जाता है। ऐसा होने पर गोली की पावर कम हो जाती है और गोली के टूटने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे गोली का प्रभाव बिल्कुल कम हो जाता है, जिससे एक सैनिक को सुरक्षा मिलती है। भारत में दिल्ली से सटे फरीदाबाद क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बुलेट प्रूफ जैकेटों का निर्माण किया जाता है और भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल 100 से भी अधिक देशों की सेनाओं में किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। धन्यवाद। ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।